दोस्तों, क्या आप पैसा आने के बाद पैसों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं? अगर ऐसा है तो आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनकी वैल्यू रोज़ कम होती रहेगी। क्योंकि जो सामान आज 100 रुपये का आप ले सकते हैं, वही सामान आने वाले साल में आपको 106 रुपये में मिलेगा। इसलिए आपको अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में ना रख कर कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको अपने पैसों पर अच्छा रिटर्न भी मिल सके। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपने कई जगह इन्वेस्ट कर रखा है और वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपनी मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं। इससे आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और आपके बजट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर फर्क पड़ता है तो आपको पता है कि आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी अर्निंग को बढ़ाने में और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करने में ध्यान देना होगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है, तो आपको सोचना है कि नौकरी के साथ साथ आप क्या काम कर सकते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 की जगह 50,000 आने लग जाए। और आज के दिन कोई नई स्किल सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप YouTube के जरिए कोई भी नई स्किल को सीख सकते हैं और उससे पार्ट टाइम पैसा कमा सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपकी इनकम बढ़े तो आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है, केवल आपको अपने ज़रूरी कामों पर ही खर्च करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाते रहना है। और हो सकता है कि आपके मन में आए, यह इन्वेस्टमेंट मैं कब तक करूं? तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बस एक टेम्परेरी होता है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ आने लग जाए, फिर आप अपनी मनचाही कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह कहना है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करने से ज़्यादा पैसे कमाने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है। वो महीने में जितना कमाते हैं, वह महीने के अंत में उतना ही खर्च कर देते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा कमाना आपको रिच तो बना सकता है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं कर सकता। और यहाँ हम फाइनेंशियली फ्री होने की बात कर रहे हैं, जो केवल आपको इन्वेस्टमेंट ही दिला सकती है। आज आप बहुत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, प्रॉपर्टी आदि। यहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए पहले पैसा कमाने पर ज़्यादा ध्यान दें, फिर उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, फिर इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जो मुनाफा आए उसे खर्च करें। दोस्तों, सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको पहले पैसे कमाने हैं, फिर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद जो पैसा बचते हैं उससे अपने खर्च को पूरा करना है। और दोस्तों, अगर आप सच में पैसा बचाना चाहते हैं तो इसका एक और रास्ता है। सबसे पहले आप ऑनलाइन पेमेंट करना बंद कर दें, सभी चीज़ें कैश में खरीदें। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जब हम ऑनलाइन पैसा खर्च करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो लिमिट में इसका इस्तेमाल करें, लेकिन घर का सामान ले आने के लिए कभी भी ऑनलाइन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हमें हमेशा कैश में ही पेमेंट करना है। चलिए, अगले वीडियो में हम सीखते हैं कि अपनी शॉपिंग की हैबिट को बदलकर हम कैसे एक मोटा पैसा बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।